छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में महंत घासीराम स्मारक संग्रहालय में बनाए गए गढ़कलेवा को गांव का माहौल दिया गया है, जहां सिर्फ छत्तीसगढ़ व्यंजन ही मिलते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तभी तो गढ़कलेवा के ज्यादातर व्यंजन चावल से ही बनाए जाते हैं, और वो भी पारंपरिक। आज हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हर जगह के पकवानों की अपनी अलग अलग पहचान है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे व्यंजन हैं, यहाँ हर एक त्यौहार में अलग पकवान बनाते हैं। नमस्कार, आज हम आए हैं राजधानी के सबसे प्रसिद्ध स्थान पर गढ़कलेवा, जहाँ बहुत सारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलते हैं। तो आइए आज हम आपको घुमाते हैं गढ़कलेवा और लोगों से जानते हैं कि यहाँ उनको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें आकर्षित करती है। जी मैम, आप क्या यहाँ रोज आती है? रोज़ तो नहीं, लेकिन हाँ हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर आ जाती हूँ मैं। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें आकर्षित करती है और किस चीज़ को आप ज़्यादा खाना पसंद करती हैं? वैसे तो सबसे अच्छा यहाँ का जो प्लेस एरिया है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे जो हट्स बने हुए हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनको देख के लगता है कि हम नेचुरल छत्तीसगढ़ में ही आ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित करती हैं, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ के जो व्यंजन हैं वो इतने स्वादिष्ट हैं, ऐसा लगता है कि कौन सा व्यंजन खाऊं और किसको छोड़ दूं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे माड़ा पीठा बहुत पसंद है, और चीला भी बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, अच्छा लगता है काफ़ी। और मीठे में तो मुझे पिड़िया और पूरा लड्डू बहुत अच्छा लगता है, जो मैं अक्सर जब भी आती हूँ, हफ्ते में 2 दिन तो आती हूँ, तो मैं ज़रूर खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इनका कहना है ये हफ्ते में 2 दिन आती है और इनको यहाँ का माड़ा पिट्ठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ की जो सेटअप है वो इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। कौन सी चीज़ें यहाँ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? जी क्या आप यहाँ पे रोज़ आती हैं? यस, मैं यहाँ डेली आती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सादा सिंपल, जैसे सब लोग सुबह निकल जाते हैं और दोपहर में ऐसा कुछ खाना ढूंढते हैं जो बिल्कुल सिंपल हो, ज़्यादा तेल मसाला ना हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो यहाँ का जो खाना है बहुत ही लाइट वेट और बहुत अच्छा है, और खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और मैं मतलब डेली आती हूँ, हर आइटम खा चुकी हूँ, सारा चीज़ बहुत अच्छा बनाते हैं, इनका जो मैनेजमेंट है सब बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा ऐसा व्यंजन है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है और सबसे ज़्यादा आपको खाने में बहुत अच्छा लगता है? मैं ज़्यादातर माड़ा पीठा खाती हूँ, और वो क्या बोलते हैं साबूदाना बड़ा, वो बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे, और फ्राई तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी धन्यवाद। तो इनको भी माड़ा पीठा और साबूदाना का बड़ा बहुत अच्छा लगता है। और आपको हम एक चीज़ और बता दें, यहाँ दोपहर में पूरे छत्तीसगढ़ी व्यंजन की एक थाली, पूरा भोजन यहाँ पे मिलता है। अगर आपको कभी खाना हो तो यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करें। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो समूह जो इसे चलाते हैं, उनकी समूह के सदस्य से। जी महिला समूह के सदस्य जी मैम, आप यहाँ समूह चलाती है तो इसका मैनेजमेंट भी आप ही देखती होंगी, तो किस तरह से आप इसका मैनेजमेंट पूरा चला करती हैं? मैं यहाँ पर अकेले तो करती नहीं हूँ, कि हमारे ये जो गढ़कलेवा है इसको महिला समूह चलाती है, और हम सारी महिलाएं मिलकर के यहाँ पे काम करती हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर गर्म आइटम बनाती है, कुछ जो ये सूखा बनता है, कुछ बड़ी, और ये जो हमारा यहाँ पर जो वर्कशॉप है जहाँ पर ये बनता है सूखा आइटम, क्योंकि सब चीज़ तो यहाँ पर बनता नहीं है, तो जो ये बनता है। तो ये था राजधानी रायपुर का गढ़कलेवा, यहाँ जहाँ पे सारे पारंपरिक छत्तीसगढ़ के व्यंजन मिलते हैं। हम चाहेंगे कि एक बार आप यहाँ आइए, विज़िट कीजिए, यहाँ के सारे व्यंजनों का लुत्फ़ उठाइए। कैमरा पर्सन निक्की, ऋषिका और नम्रता के साथ मैं सीमा ठाकुर, NT News रायपुर की रिपोर्ट।